गर्व सर। टेस्ट के लिए 3 चैप्टर बोले हुए ना, हाइड्रोजन एस और पी ब्लॉक, ओके सर। वो तीनों प्रिपेयर होने चाहिए। मैं अभी टेस्ट ले रहा, मैं एक लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ। तो टॉपिक है, तुम कर चुके हो हाइड्रोकार्बन्स, सही ना, हाइड्रोकार्बन्स। तो ना हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th क्लास का। इसमें मैक्सिमम चीज जैसे तुम इसमें कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म है या आइसोमरिज्म है वो तुम कर चुके हो। नेम रेशन जिसने किया है, डिस्टिंक्शन जिसने किया है, तो उसमें मैक्सिमम प्रिपरेशन भी कर ली होंगी इसकी। हाइड्रोकार्बन को डिवाइड किया है मेनली 3 क्लासेस के अंदर, जैसे सेचुरेटेड हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हो सकते हैं। ये मैं बहुत डिटेल में नहीं कराऊंगा, ये बहुत शॉर्ट में होगा, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शंस तुमने पढ़ी हुई है। जैसे नेम रिएक्शन, डिस्टिंक्शन, ये सब का रखा है, कन्वर्जेंस का रखा है, उसको उसमें मैक्सिमम आता होगा। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एरोमेटिक, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एरोमेटिक। सैचुरेटेड की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है एल्केन, जनरल फॉर्म है इसका CnH2n+2। लीस्ट रिएक्टिव है, एल्केन होते हैं लीस्ट रिएक्टिव, उनको पैराफिन भी कहते हैं। कोई इनके अंदर एक्टिव साइट नहीं है, सही ना, इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। अनसेचुरेटेड में दो जाते हैं, जैसे एल्कीन CnH2n, ये जनरल फॉर्मूला इसका, इनको ऑलिफिन्स भी कहते हैं। ऑलिफिन्स, इथीन, वो वनस्पति घी वगैरह बनता है ना, इथीन में जब हम H2 गैस डालते हैं, 70 ईयर सेंटेंस रिडक्शन। एल्काइन CnH2n-2, ये एल्काइन है ना, ये एल्काइन। और एरोमेटिक, एरोमेटिक का एग्जांपल हकल्स रूल में तुमने पढ़ा हुआ है, ये बता रखा है मैंने हकल्स रूल तुम्हें, जिसमें तीन थे, कार्बन sp2 प्लेनर होना चाहिए जो मॉलिक्यूल है, दूसरा था साइक्लिक और कंजुगेटेड होना चाहिए, तीसरा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये एरोमेटिक रिंग्स है, पहला बेंजीन है, दूसरा नेप्थ्रीन, ऐसे ही एंथ्रासीन फिनेंथ्रीन ये बना सकते हैं। तो ये एरोमेटिक के अंदर आ जाएगा, क्लियर, ये एरोमेटिक में आ जाएगा। और इसके अंदर जैसे एल्केन जो मैंने लिखा है सी, ये इसमें साइक्लो एल्केन्स भी आ सकता है, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइन भी आ सकते हैं। तो एक सिंपल क्लासिफिकेशन मैंने तुम्हें दे दिया यहाँ पे। अब इसके बाद इनकी IUPAC नेमिंग, इनके इनके अंदर कौन कौन सी आइसोमरिज्म हो सकती है वो, इसके अलावा इनकी प्रिपरेशन, और मेन पढ़ना है हमें प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये 3 चीज़ें मेनली करनी है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में, और एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग से रिलेटेड। तो पहले प्रिपरेशन अगर करते हैं हम एल्केन की, अगर एल्केन की प्रिपरेशन, तो एल्केन की प्रिपरेशन, पहली प्रिपरेशन जो है फर्स्ट, वो है तुम्हारी किससे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर एल्कीन की बात करते हैं तो इनकी प्रिपरेशन है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। जैसे अगर मैं इथीन में H2 गैस डालूंगा, डिटेल सब हो चुकी है इसकी, निकल डाल दें यहाँ पे, प्लेटिनम डाल दें या पैलेडियम डाल दें, आंसर क्या आता है, इथेन। ये सब बताया है मैंने कि निकल को और प्लेटिनम को ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, रीजन बीइंग कि निकल जो है इसका अमाउंट ज्यादा चाहिए होता है, प्लेटिनम कॉस्टली होता है, पैलेडियम इसका सरफेस एरिया प्रॉपर होता है, और इसी को प्रेफर करते हैं, पैलेडियम, पैलेडियम को प्रेफर करते हैं। ठीक, इथीन में H2 गैस डाल दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इसके अलावा और भी है, रूथीनियम है, रोडियम है, बहुत सारे और मेटल्स आ सकते हैं, ये ज्यादा हम लेते हैं, इन मेटल्स को लेते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है। तो इसी में H2 गैस डाला तो ये मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इथाइन में डाल दूंगा H2 गैस, लीनियर अटैक होता है, सीन एडिशन होता है इसका H2 गैस को, इथाइन में डाल दिया H2 गैस, निकल में, प्लेटिनम में या पैलेडियम में, तो इथेन मिल जाएगा, तो इथेन मिल जाएगा, सही ना। और अगर तुमने इसके अंदर ले लिया से ब्यूट 2 आइन, लीनियर अटैक होता है ध्यान चीज का, इससे इथीन ज्यादा एक्टिव होगा देन इथाइन टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन, इथीन विल बी मोर, सॉरी, इथाइन विल बी मोर एक्टिव देन इथीन, इसके अंदर होगा ज्यादा, क्यों, क्योंकि तो इसमें जब लीनियर अटैक होगा H2 का, H2 का लीनियर अटैक है, तो कोई रिपेल, जैसे यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये यहाँ पे अटैक कर रहा है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन अपॉन पैलेडियम,
जब ये अटैक करेगा तो कोई ग्रुप रिपेल नहीं करेगा, इस एच को भी, इस एच को भी, तो ये आसानी से अटैक कर जाएगा। इथीन में कह सकते हैं कि ये एच जो है बहुत ही लाइट है, कुछ रिपल्शन देंगे जब एच टू अटैक करेगा। तो इथाइन इज मोर एक्टिव देन इथीन टूवर्ड्स हाइड्रोजनेशन। और जैसे जैसे ग्रुप बढ़ते जाएंगे, सी एस थ्री आ गया तो रिएक्टिविटी और कम, सी डी फाइव आ गया, सी एस थ्री एक और आ गया, रिएक्टिविटी और कम, सी एस थ्री और आ गया, रिएक्टिविटी कम, ये आ गया तो और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन, है ना, और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन। और इसमें हम याद रख सकते हैं, अगर ब्यूटाइन है, ध्यान देंगे ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन है, इसमें डाल दिया मैंने एच टू पी डी तो क्या मिल जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन मिल जाएगा। और इसी के अंदर मैं एक रेजेंट डाल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, एच टू पी डी बी एस ओ फोर सल्फर, तो क्या मिल जाएगा, एच टू पी डी बी एस ओ फोर सल्फर, तो क्या मिल जाएगा, सिस ब्यूट टू इन। क्यों? क्योंकि इसे हम बोलते हैं, इसको कहते हैं, और बॉइलिंग ज़ाइलीन लेते हैं सॉल्वेंट, इसको हम बोलते हैं लिनार्ड्स का टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। इसको बोलते हैं लिनार्ड्स कैटलिस्ट। तो एच टू पी डी बी एस ओ फोर सल्फर डालेंगे तो पैलेडियम कैटलिस्ट को बी एस ओ फोर और सल्फर मिलकर के, ये दोनों बी एस ओ फोर और सल्फर मिलकर के पैलेडियम कैटलिस्ट को पॉइजन कर देंगे। याद करते रहना साथ साथ, ये पॉइजन कर देंगे जिसकी वजह से एक ही बार रिडक्शन हो पाएगा एच का, इधर ये एच आया और ये एच आया, एक ही बार हो पाएगा, आगे नहीं हो पाएगा, आगे नहीं हो पाएगा। और इसी में अगर मैं डाल दूँ सोडियम लिक्विड अमोनिया, कौन सी नेम है ये, कोई भी एल्कली मेटल इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो मिल जाएगा बर्च ट्रांस ब्यूट रिडक्शन। टू बर्च रिडक्शन, तो ये मिल जाएगा ट्रांस ब्यूट टू। ये दो स्पेशल कैसे याद रखना, ब्यूट टू आइन में लिनार्ड कैटलिस्ट डाला तो सिस ब्यूट टू, ब्यूट टू आइन में अगर हम सोडियम लिक्विड अमोनिया डालेंगे तो मिलेगा ट्रांस ब्यूट, सही ना, तो क्या मिल जाएगा, ट्रांस ब्यूट टू। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? तो पहली प्रिपरेशन हमने कर ली है फ्रॉम नंबर ऑफ कार्बन आइटम अनसेच। बढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी। हाँ देखो, दूसरा है फ्रॉम एल्काइलाइट्स, सेकेंड प्रिपरेशन, पहली प्रिपरेशन हमने कर दी है फ्रॉम एल्कीन, दूसरी फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड में बेस्ट तरीका तो है एक, अगर तुम्हें कार्बन बढ़ाने हैं तो वो है वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, अगर तुम्हें कार्बन बढ़ाने हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ डायरेक्ट, आर एक्स है एक प्लस टू एन ए प्लस एक्स आर, ड्राई ईथर के अंदर मैकेनिज्म वगैरह सब हो चुके हैं, धारकना जिसके जिस चीज का धारकना बिल्कुल मैकेनिज्म हो चुके हैं, यहाँ पे आर आर मिलेगा प्लस टू एन ए एक्स, आर आर प्लस टू एन ए एक्स, क्लियर। और एग्जाम्पल इसकी जैसे सी एच थ्री सी एल है, इसमें डाल दिया मैंने एन ए ड्राई ईथर, आंसर ध्यान रखना क्या मिलता है हमेशा, इस पार्ट का डबल, यानी आंसर आ जाएगा इथेन, आंसर इथेन पेपर में आता है, तो मेन रिएक्टेंट मेन प्रोडक्ट का नाम जरूर लिखना तो ही मार्क्स मिलेंगे पूरे। इथाइल क्लोराइड लिया, एन ए ट्राइथर डाल दिया तो मिल जाएगा ब्यूटेन, तो ब्यूटेन। और अगर मैंने यहाँ पे ले लिया सपोज प्रोपेन, इसमें डाल दिया सी एल टू सनलाइट, ए मिला, एन ए ट्राइथर डाला, बी मिला, बोलो आंसर क्या आएगा, बताएंगे जल्दी से आंसर क्या आएगा इसमें, टू थ्री डायमिथाइल ब्यूटेन। अगर बिल्कुल सही है, टू टू थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेन, सही ना, टू थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये मिल जाएगा। देखो सी एल टू सनलाइट डाला इसके अंदर, सी एल टू सनलाइट डालेंगे तो सी बीच में आएगा, सी एल बीच में, सी एल आएगा इसमें क्योंकि बीच में रेडिकल बनेगा, ज्यादा स्टेबल है। और इसमें डाला एन ए ट्राई था, टू एन ए प्लस सी एल सी एच सी एस थ्री
CH3। तो ये 2NaCl बाहर निकलेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में और आंसर आ जाएगा 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। 1, 2, 3, 4, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन आंसर आ जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो इसमें दो मैकेनिज्म डिफाइंड है वैसे तो, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म डिफाइंड है और एक आयनिक मैकेनिज्म। क्लियर? एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म डिफाइंड है और एक आयनिक मैकेनिज्म। तो ये हमें अगर कार्बन बढ़ाने या डबल करने तो हम यूज करते हैं वुड्स रिएक्शन। कार्बन बढ़ाने हैं या डबल करने हैं तो क्या यूज करेंगे? वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट, अगर हमें सेम कार्बन एटम चाहिए, अच्छा इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन, ये ध्यान का क्वेश्चन आता पेपर में कि व्हाई वुड्स रिएक्शन इज यूज ओनली टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्केन्स, ये क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर। अगर तुमने अनसिमेट्रिकल एल्केन प्रिपेयर करने की कोशिश की, जैसे मेरे को प्रोपेन प्रिपेयर करना है तो मैं ट्राई यही करूंगा, एक तो ले लूंगा CH3Cl, एक ले लूँ CH5Cl ड्राई ईथर के अंदर। क्वेश्चन सुन लेंगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रोपेन तो आ गया 2NaCl बाहर निकला, ये आंसर आ गया CH3C5, प्रोपेन आ गया, लेकिन साथ में इसका डबल भी आएगा यानी इथेन, साथ में इसका डबल भी आएगा यानी ब्यूटेन। तो मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन्स इज ऑब्टेंड। क्लियर? क्या आ जाएगा? मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन्स, मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन्स विल बी ऑब्टेंड। 3 एल्केन मिलेंगे, तीनों के बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज है, इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज है, सच दैट दे कांट बी सेपरेटेड इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसी पेपर में एक्सप्लेन करना है व्हाई वुड रिएक्शन इज नॉट यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन। तो क्या आंसर लिखेंगे, क्या आंसर लिखेंगे इसका? इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन, दैट इज एल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन ए मिक्सचर ऑफ एल्केन्स इज ऑब्टेन्ड। एग्जाम्पल दे देना ये वाली, देन ए मिक्सचर ऑफ एल्केन इज ऑब्टेन्ड हुज बॉइलिंग पॉइंट्स आर सो क्लोज टू ईच अदर सच दैट दे कांट बी सेपरेटेड इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सच दैट दे कांट बी सेपरेटेड इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर हुआ कि नहीं? सही ना, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। मान लो अगर मेरे को प्रिपेयर करना है ये कंपाउंड वुड डायरेक्शन से, तो कौन सा एल्काइल क्लोराइड होना चाहिए? IUPAC नेम क्या होगा उसका? कौन सा एल्काइल क्लोराइड होना चाहिए? बोलो, वन वन क्लोरो टू क्लोरो टू मिथाइल मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। हाँ सही है। भव्या क्या बोला तुमने? नहीं क्लियर हुआ है? सही है। कौन सा चैप्टर है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से इसको हिंट देके पढ़ा रहा हूँ मैं सिर्फ, लेकिन हाँ जो करा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट होगा, उसको करना जरूर है उतना। ये देखो यहाँ पे क्लीवेज, यहाँ पे क्लीवेज होगा, CLCL लगा देना दोनों साइड, आधा ही तो करना होता है, आधा ही तो करना है इसमें। जैसे मान लो ब्यूटेन मिल रहा है तो उसका हाफ कर दो बस, तो इथाइल क्लोराइड होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? CH3CH3CH2Cl, 1-क्लोरो-2-मिथाइल ब्यूटेन और प्रोपेन, 1-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन, ये आ जाएगा आंसर। सही है? तो सीधा हाफ कर देना। तो एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए, डबल कर रहे हैं तो ये बेस्ट मेथड है। सही है? तो ये बेस्ट मेथड है, एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए तो ये बेस्ट मेथड है। अगर तुम्हें ऑड नंबर ऑफ मैकेनिज्म, मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ उसके अंदर मैकेनिज्म, जैसे RX है ना, एक बार नोट कर लेंगे जल्दी से, RX है, इसमें मैंने सोडियम डाला, सोडियम डाला इसके अंदर। सोडियम का काम है इलेक्ट्रॉन्स को देना सिर्फ, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, Na को दे देगा एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा इसमें? R रेडिकल आएगा, दो सोडियम आ गए अगर तो दो इलेक्ट्रॉन दे देंगे, दो इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ये मिल गया R-Na+, प्लस दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं इस सोडियम में भी, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। आर प्लस को अगर दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो आर माइनस बन जाएगा, वो R-Na+ आ जाएगा एक, और एक आ जाएगा क्या? NaX, एक NaX आ गया, तो R-Na+ आ गया ये। अब ये अटैक कर देगा दूसरे पे, R-Na+ जो है ये दूसरा मॉलिक्यूल आएगा RX का, इस पर ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये R- को बैक साइड से अटैक कर देगा SN2 मैकेनिज्म से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर, तो RR आ जाएगा।
समझ आ गया तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना मैकेनिज्म। दो मैकेनिज्म डिफाइंड है मैंने, एक लिख दिया मैकेनिज्म ना, दो मैकेनिज्म डिफाइंड है आप। ये वाला अल्कलाइड जो है प्राइमरी होना चाहिए, ध्यान रखना जरूरी है ना, अल्कलाइड प्राइमरी होना चाहिए। टर्शरी हो गया तो एलिमिनेशन हो जाता है, तो सोडियम बेस का काम कर जाता है। तो ये यहाँ पे वुड डायरेक्शन है और उसका मैकेनिज्म भी हिंट दे दिया मैंने। फिर अगर तुम्हें मान लो मिथेन से प्रिपेयर करना है, मिथेन से प्रिपेयर करना है से प्रोपेन, तो क्या प्रिपेयर होता है किसी तरीके से? ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, मतलब स्कूल में नहीं आएगा ये। मिथेन से प्रिपेयर प्रोपेन प्रिपेयर करना है तो वुड रिएक्शन से नहीं होता, रिएक्शन यूज होती है इसके लिए कोरे हाउस रिएक्शन। नेम रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, कोरे हाउस रिएक्शन। CH3Cl से स्टार्ट होती है, मैंने मिथेन से प्रोपेन बोला है, CH4 से तो कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करने की क्या डालते हैं, Cl2 सनलाइट, CH3Cl आ गया, लिथियम डाल देंगे ट्राई ईथर में, CH3Li आ जाएगा, CH3Li में CuI डाल देंगे, दो मोल लेके इसके, तो CH3 होल ट्वाइस CuLi आ जाएगा। बस इसके बाद जितने कार्बन बढ़ाने थे उतने कार्बन बना अल्कलाइड। मिथेन से प्रोपेन बनाना है, कितने कार्बन बढ़ाने हैं? दो, तो यहाँ डाल देंगे CH5Cl या आई। SN2 बनाने से रिएक्शन होती है, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा CH3- इनमें से एक अटैक कर देगा, आंसर आ जाएगा प्रोपेन। तो इसको हम पूरे को एक स्टेप में दिखाते हैं इस तरीके से, कोरे हाउस रिएक्शन को। CH4 है, तुम्हें प्रिपेयर करना है सपोज पेंटेन, तो फर्स्ट तो Cl2 सनलाइट, मेरे को पता है लास्ट वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, C4H9I ऐड करना है, क्योंकि इसमें एक कार्बन है इसमें पांच कार्बन, तो C4H9I ऐड करेंगे, बस ये ध्यान रखना इसका। फर्स्ट Cl2 सनलाइट, सेकंड लिथियम ट्राई ईथर, थर्ड CuI, फोर्थ पे सोचना है तुम्हें कि क्या डालना है, C4H9I, C4H9I है ना, C4H9I। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर, और इस कंपाउंड को R2CuLi को, जिसके अंदर R माइनस प्रेजेंट है, CH3 माइनस प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं गिलवेंस रीजन। गिलमैन्स रीजन, ये ध्यान रखना है। ये कोरे हाउस रिएक्शन है जिससे कोई भी एल्केन हम प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे इवन या ऑड, कोरे हाउस रिएक्शन। लास्ट में मैकेनिज्म चलता है SN2, इसमें भी लास्ट में मैकेनिज्म चलेगा, अटैक जो रहा है इस पे SN2 मैकेनिज्म चलता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मोलिकुलर। तो अगर तुम्हें एल्केन विद इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन चाहिए, तो दो रिएक्शन मैंने तुम्हें बताई यहाँ पे, दो रिएक्शन बताई, एक बताई मैंने तुम्हें वुड्स रिएक्शन और एक बताई कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन कोर्स में नहीं है तुम्हारे, और एक अगर तुम्हें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चाहिए, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले एल्केन चाहिए, तो CH3Cl में, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, CH3Cl है, इसके अंदर तुम डाल दो H2, डायरेक्ट H2 डाल दो, HCl बाहर निकल जाएगा, और जिंक और H+ एसिड के प्रेजेंस में, जिंक का काम फिर इलेक्ट्रॉन देना, जिंक और HCl के प्रेजेंस में H2 डाला तो CH4+ HCl, H2 है ना, H2 ऐसे सोच लो, H H, तो ये CH4, ये HCl, CH4 ये HCl, ये आ जाएगा ऐसे। अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन चाहिए, सेम नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन चाहिए, तो ये करेंगे। तो ये मैंने पहली प्रिपरेशन तुम्हें किससे बताई, मैंने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, जो सेबेटियर सेंट्रेंस रिडक्शन था, क्या था? सेबेटियर सेंट्रेंस रिडक्शन। दूसरी नेमेशन ली मैंने फ्रॉम एल्केन से, फ्रॉम अल्काइलाइड से, अल्काइलाइड से वुड रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन, एक डायरेक्ट रिएक्शन थी जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन मिलता है। तीसरी रिएक्शन है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, थर्ड थर्ड इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसके साथ भी दो रिएक्शन है हमारी, इसके साथ दो रिएक्शन है, एक रिएक्शन है, एक है हमारी डी कार्बोक्सिलेशन, इसमें कार्बन कम होंगे, पीछे जो हमने वुड रिएक्शन की कोरे हाउस की उसमें कार्बन बढ़े थे, इसमें कार्बन कम होंगे, डिसेंट होगा सीरीज का, डी कार्बोक्सिलेशन। नेम रिएक्शन है, पेपर में डायरेक्ट आएगी, डी कार्बोक्सिलेशन है ना, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें किसी से भी आस्था, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जैसे RCOOH से भी रिएक्शन आ सकती है, RCONH से भी रिएक्शन आ सकती है, किसी से भी आ सकती है, तुम किसी से दिखा सकते हो। NaOH+CaO लेंगे, सोडा लाइम कहते हैं इस मिक्सचर को, NaOH और CaO, 3:1 का रेशियो होता है, 3:1 का रेशियो होता है, 3:1 का रेशियो RH मिलता है, प्लस Na2CO3, RH+ Na2CO3,
क्लियर, क्या मिलेगा? आर एच प्लस एन ए टू सी ओ थ्री, चाहे ये ले लो सोडियम एल्केनोइड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। थ्री सी ओ का रेशियो है एनएच और सीएओ का। सीएओ का फंक्शन होता है टू कीप एनएच ड्राई, सीएओ का फंक्शन है टू कीप एनएच ड्राई, जो कि हाइग्रोस्कोपिक एनएच होता है, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, टू कीप एनएच ड्राई, ये इसका फंक्शन, टू एंश्योर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो ये डिटेल नहीं करना, बस तुम्हें जो बताया मैंने कि सोडा लाइम होता है, सोडा लाइम 3:1 का रेशियो होता है इसका एनएच और सीओ का, और सीओ का फंक्शन होता है टू कीप एनएच ड्राई। जैसे इसमें मैंने बेंजोइक एसिड दिया या सोडियम बेंजोइट दिया, बेंजोइक एसिड दिया या सोडियम बेंजोइट दिया, एनएच और सीओ डाल दिया, तो क्या होगा, क्या मिल जाएगा इसमें? सीओ टू बाहर निकल जाएगा और आंसर आ जाएगा बेंजीन, बेंजोइक एसिड से बेंजीन, बेंजोइक एसिड से बेंजीन। क्लियर है कि नहीं है? बेंजोइक एसिड से बेंजीन, याद रखना है कार्बन कम कर रहा है, इसमें कार्बन कम हो रहे हैं, एसिटिक एसिड होगा तो मिथेन, एसिटिक एसिड लिया एनएच और सीए डाल दिया मिथेन, रिएक्शन लिख लिख के याद कर लेना जरूर। एसिटिक एसिड लिया तो क्या मिल जाएगा? मिथेन, कार्बन कम हो रहे हैं इसमें, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ असेंट डिसेंट के अंदर। अगर हमने ले लिया सपोज सोडियम पेंटेनोइड तो क्या मिलेगा? सोडियम पेंटेनोइड लिया क्या मिलेगा? ब्यूटेन। हाँ ब्यूटेन मिल जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा, सही ना, एक कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन नोट करनी है इसी में, इसी के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड से, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इसमें लिया मैंने ट्वाइस ऑफ आर सी ओ एन ए प्लस 2H2O। मैं तुम्हें करवा चुका हूँ ये इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर, 2RCONA प्लस 2H2O, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इसका, यानी करंट पास करेंगे इसके अंदर, तो इस R का डबल आंसर आएगा, इस R का डबल आंसर आएगा, यानी RR प्लस NaOH, NaOH चाहेंगे टू, टू NaOH प्लस H2 प्लस CO2 प्लस H2 प्लस 2CO2, ये रिएक्शन है। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ उसकी, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ उसका, जैसे पहले तो ये नोट कर लेंगे, मैकेनिज्म एक मतलब एक टाइप है, इस पाथ से फॉलो रिएक्शन प्रोसीड करेगी। आर सी ओ एन ए, ये टूटेगा आर सी ओ नेगेटिव प्लस एन ए प्लस में। अब एनोड पे आर सी ओ माइनस जाएगा, माइनस ये जाएगा एनोड पे, ये पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, रेडिकल आ गया, छह इलेक्ट्रॉन थे पांच रह गए प्लस इलेक्ट्रॉन, और दो मॉलिक्यूल लेना, दो मॉलिक्यूल लेना, दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए तब। और उसके बाद अब जब यहाँ पे एक रेडिकल आ गया, अब रेडिकल आ गया तो क्या करेंगे, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो एक रेडिकल यहाँ से एक रेडिकल यहाँ पे आ रहा है, जो दोनों कंबाइन कर जाएंगे दो आर रेडिकल मिल जाएंगे, दो आर रेडिकल मिल जाएंगे प्लस 2CO2 मिल जाएगा, ये दो आर रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे आपस में, आर रेडिकल प्लस आर रेडिकल क्या दे देगा, आर 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 दे देगा, और कैथोड पे एन ए प्लस नहीं जाएगा, एच प्लस आयन जाएंगे वाटर के, और 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के क्या दे देगा, H2S, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या दे देगा, H2S, मतलब एक्चुअल में एच प्लस नहीं जाते, वाटर का मॉलिक्यूल जाता है, क्योंकि वाटर एच प्लस में टूट नहीं पाता आसानी से, है ना, इस तरीके से H2O, ये है इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, एच प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन क्या मिल गया, हाफ एच टू गैस प्लस ओ चार्ज, इस तरह से मिलता है। ये वाली चाहो तो मत दिखाना, ऊपर जो रिएक्शन लिखी है मैंने, ये कैथोड पे रिएक्शन होती है, कैथोड पे, ये है कोलबेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, पूरा बता दिया मैंने, पहले भी कराया हुआ मैंने तुम्हें, है ना, कोलबेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इसके अंदर अब इसके अंदर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ट्वाइस ऑफ CH3CO1, H2O इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिक करंट क्या मिलेगा,
सेकंड ट्वाइस ऑफ, फिर ये ले लेते हैं CH2 सोडियम सक्सिनेट, H2 इलेक्ट्रिक करंट। ये रेडिकल बहुत अनस्टेबल होते हैं, इमीडिएटली कंबाइन करते हैं। इसके बाद ले लिया मैंने सोडियम मेलिएट, H2 इलेक्ट्रिक करंट, है ना, H2 इलेक्ट्रिक करंट। निकालो आंसर इनके। हाँ कर लिया है। रिथेन इथीन इथाइन। बिल्कुल सही है, डिटेल में पढ़ाया हुआ मैंने जब लेक्चर दिए थे फ्री रेडिकल के। तो इसमें आ जाएगा पहले में इस पार्ट का डबल इथेन, दूसरे केस में रेडिकल यहाँ आएगा, रेडिकल यहाँ आएगा इथीन, तीसरे केस में रेडिकल यहाँ आएगा, रेडिकल यहाँ आएगा, कंबाइन कर जाएंगे इथाइन। इथाइन क्लियर हो गया कि नहीं है? तो ये प्रिपरेशन ऑफ एल्केन था, एनसीईआरटी में ये रखा है। बस मैंने एक्स्ट्रा क्या बताया तुम्हें इसके अंदर, एक्स्ट्रा बताया इसके अंदर मैंने तुम्हें कोरे हाउस रिएक्शन, है ना, कोरे हाउस रिएक्शन। इसके अलावा ऐसा नहीं प्रिपरेशन ये खत्म हो गई, प्रिपरेशन बहुत सारी है, बहुत सारी प्रिपरेशन है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, क्लेमेंसर रिडक्शन है, जैसे कार्बन ग्रुप से RCHO है, RCHO में मैं डाल दूँ जिंक एमलगम प्लस कंसनट्रेटेड HCl, तो इसमें उतने ही कार्बन वाला एल्केन मिल जाएगा RCH3। क्या मिल जाएगा? RCH3, सही ना, RCH3 मिल जाएगा। फिर इसी के अंदर मैं दूसरी, ये है क्लेमेंसर रिडक्शन है, एग्जाम्पल खुद बनाना। CH3CH होता तो इथेन मिल जाता, एसीटोन होगा तो प्रोपेन मिल जाएगा, एसिटोफिनोन होगा तो इथाइल बेंजीन मिल जाएगा। ये क्लेमेंसर रिडक्शन है, ये NCERT में नहीं। और RCHO के अंदर, यानी RCHO ले रहे हैं, इसमें डाल दूंगा मैं N2H4OH, N2 हाइड्राजीन और OH बेसिक मीडियम के अंदर, तो भी RCH3 मिलेगा। और ये है वॉल क्वेश्चन रिडक्शन, ये कोर्स में नहीं तुम्हारे। तीसरा मेथड RCHO में, RCHO में CH2SH होल ट्वाइस इन H+ डाल दूं फर्स्ट, और सेकंड डाल दूं मैं H2Ni, H2Ni तो मिल जाएगा RCH3। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोजिंगो रिडक्शन। ये
ये भी एल्केन देती है। फोर्थ फोर्थ कोई भी कंपाउंड अगर मैं उसके अंदर आर सी एच ओ एच आई रेड फॉस्फोरस डाल दूँ, ये सब एल्काइल ग्रुप से, सब कार्बन ग्रुप से प्रिपरेशन थी, तो भी आर सी एच थ्री मिलता है, तो भी आर सी एच थ्री मिल जाएगा एच आई रेड फॉस्फोरस के साथ। ये तुम्हें मैंने कराया था एसेंट और रिसेंट ऑफ सीरीज के अंदर, एसेंट और रिसेंट में भी कराया था। तो ये सारी रिएक्शन भी हैं जो एल्केन को प्रिपेयर कर रही हैं, और भी बहुत सारी रिएक्शन हैं जो हिंट दिया ना एनसीईआरटी में जो रखा है, स्टार्टिंग के तीन चीजें वो करना था, ये क्लेमेंसन, वोल्फ्रिस्टन, मोजिंगो और लास्ट एच आई रेड फॉस्फोरस के साथ, एच आई रेड फॉस्फोरस के साथ। ये कोर्स में नहीं है लेकिन हाँ ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, एंट्रेंस के लिए तो है ही, करना ही है उसके अंदर, उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्लेमेंसन और वोल्फ्रिस्टन तो ज्यादा पूछी जाती है क्योंकि क्लेमेंसन एसिडिक मीडियम में है, वोल्फ्रिस्टन हमारी बेसिक में, तो ये ज्यादा पूछी जाती है। तो यहाँ तो कर लेंगे, एक बार रिज्वाइन कर लेना, मैं थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बता रहा हूँ, सही ना, थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक प्रिपरेशन और कराऊंगा जो जनरलाइज्ड है एल्केन एल्कीन एल्काइन के लिए, सही है, तो एक बार रिज्वाइन कर लेंगे।